मारिया महवुश महराज बेसिकली इनरोलमेंट ड्राइव हमारा एक रेगुलर फीचर है। हर साल जब एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने बच्चों को स्कूल में लाएं। और इसी सिलसिले में लास्ट ईयर जो है आपको याद होगा हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दीक साहब ने इसको किक स्टार्ट किया था हंदवाड़ा टाउन से ही, और बिल आखिर हमारे कश्मीर प्रोविंस में लगभग 1,09,000 या 10,000 के करीब बच्चे जो है रजिस्टर हुए, और वो टॉप किया था हमने यूटी में कश्मीर में, और यहाँ तक कि दिल्ली में भी काफ़ी जो है हमारे मंत्रालय में इसको सराहा गया। उसी सिलसिले में इस साल भी एक कोशिश की गई है इनरोलमेंट ड्राइव को जो है फिर से स्टार्ट करने की, और इस सिलसिले में हमारे डायरेक्टर साहब ने जो है परसों बारामूला में इसको जो है 15 तारीख को जो है स्टार्ट किया था, वहाँ से लॉन्चिंग की थी, और कल वो हमारे ज़िला में थे कपवारा में, वो कलारूस इलाका में एक मेगा इनरोलमेंट ड्राइव उन्होंने किया था। उसी सिलसिला में जो है हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं पूरा, और ये नूक एंड कॉर्नर में ज़िला में जो है ये इनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है। आज हंदवाड़ा में यहाँ इन्वायरमेंटल हॉल में आपने देखा कि यहाँ PRIs बुलाए गए हैं, यहाँ के म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब हैं, यहाँ जो है पेरेंट्स बुलाए गए हैं, यहाँ के माजर सिटीजन्स हैं और बच्चे भी हैं, और ये हमारा मकसद है आज का यही कि एक तो कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए इसकी तरफ, और दूसरा इनरोलमेंट ड्राइव की जाए। इनरोलमेंट ड्राइव में मुझे जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवाड़ा ने बताया कि इस वक्त तक 69 बच्चे जो है वो जो है हम आज रजिस्टर कर रहे हैं नई इनरोलमेंट ड्राइव के तहत इस जगह पर, और ये सिलसिला तमाम क्लस्टर में जो है हमारे शुरू है। ज़िला में हमारे 50 क्लस्टर हैं, और हर एक क्लस्टर को जो है प्रिंसिपल कंसर्न जो है क्लस्टर का वो उसको हेड कर रहा है। सारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर, क्लस्टर प्रिंसिपल और हमारी बाकी जो टीचर्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के तहत पूरी तरीके से जो है इस इनरोलमेंट ड्राइव को जो है लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से लास्ट ईयर भी कपवारा ने जो है इसमें टॉप किया था, इस साल भी जो है हम मैक्सिमम नंबर जो है बच्चों का स्कूलों में लाएंगे, और इस इनरोलमेंट ड्राइव में हम 3 से 6 साल तक के बच्चों को लाते हैं, और फिर जो है आउट ऑफ स्कूल अगर कोई बच्चा है उसको लाते हैं, और फिर हम जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो बच्चे आते हैं उनको लाते हैं। तो ये इनरोलमेंट ड्राइव जो है जिला भर में आने वाले 10 दिनों में जो है वो चलेगा। आपने खुद देखा हमारे एजुकेशन जोन हंदवाड़ा में आज हमने एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और मेगा इनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम एनवायरमेंट हॉल में किया। हमारे प्रोग्राम का मकसद था हमारी कम्युनिटी और हमारे स्कूलों के दरमियान एक गैप बढ़ गया था, उसको मिनिमाइज़ करना, उसको रिड्यूस करना। हम पब्लिक से, पेरेंट्स से अपनी हमारी जो स्कीमें हैं उनके बारे में, हमारे स्कूलों में जो फैसिलिटी हैं उनके बारे में उनको उन तक जानकारी देते हैं, और साथ साथ हमने आज 69 स्टूडेंट्स को यहाँ इनरोल करवाया। ऐसा कि आपको मालूम है डीसी साहब ने एक इनिशिएटिव ले लिया जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के हवाले से, और इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ कि हमारे स्कूलों की फेस लिफ्टिंग होगी। मैं सोचता हूँ सारे का सारा काम इसी से हमने पूरा नहीं कर लिया, हमारे स्कूलों में मकसद है क्वालिटी एजुकेशन का, हमने फेस लिफ्टिंग कर ली जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के थ्रू। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, इससे हमारे स्कूलों की लुक जो है वो अच्छी हो गई। अब हमारा फोकस है क्वालिटी एजुकेशन पर, इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे, हमारे टीचर्स उस पर काम करेंगे, और हम अच्छी से अच्छी तालीम बच्चों को। जैसे मेरी ये मैसेज है वो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में डालें, स्टाफ की कमी नहीं है, अगर क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है वो हम पर हमारे सिस्टम पर एतमाद रखें, उससे हमारे स्कूल बहाल हो जाए।